हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं रुका गया क्या यार? तुम तो हार गए। मैं टेंशन नहीं लेता यार। क्या यार गाइस, तुम लोग पानी के अंदर एक मिनट भी अपनी सांस नहीं रोक सकते। कंपटीशन क्या खाक जीतोगे? अब इससे ज्यादा पानी के अंदर मैं नहीं रुक सकता हूँ। रोहे प्रिया, टाइम क्या हुआ? अब 3:30। 3:30 बज रहे हैं यार, 4:30 बजे कंपटीशन के लिए पहुंचना यार। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। अरे गाइस क्या चलो चलो, अंशुल अभी भी पानी के अंदर है। अरे अरे अंशुल हमारा चैंपियन है, उसे कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, 1 मिनट, वाओ 1.5 मिनट हो गया। अंशुल वेल डन। गाइस गाइस लेट्स वेट फॉर हिम नाउ। अरे यार वो हमें ऐसे इंतजार करवाएगा और वो पीछे से निकल जाएगा। चल यार रोहित। और वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तुझे पता है ना। कम ऑन लेट्स लीव यार। 2 मिनट्स गाइस, दिस इज रिकॉर्ड। अंशुल तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं? हम निकल रहे हैं। Answer me, कहाँ है? अरे ये लोग तो चले गए। लगता है सीआरडी बुलाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी यार, कंपटीशन के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी चलो। क्या यार कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग वो प्रैक्टिस करने गए थे यार। अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है ना, आज स्विमिंग कंपटीशन में आरजे कॉलेज को हराना ही है। हाँ हम जीत कर ही रहेंगे। You don't worry. अरे अब हम लोगों को अंदर जाने भी दोगी आप? लेकिन अंशुल कहाँ है? अभी तक आया नहीं। क्या अंशुल अभी तक नहीं पहुँचा? नहीं गाइस, स्विमिंग कॉम्पिटिशन शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं और ये अंशुल क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? मैडम वो अभी पहुँच जाएगा। यू आर राइट, पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचा तो? नो प्रिया, अगर वो वक्त पे नहीं पहुँचा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा एंड वी कांट अफोर्ड दैट। एंड कम व्हाट मे गाइस, द स्विमिंग कॉम्पिटिशन हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कह देती हूँ मैं। देखो जरा, ये अकेले आया था क्या? नहीं साहब, इसके साथ इसके 3 दोस्त और थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा, ये लगा सारे लोग चले गए होंगे। तो सिर्फ इसे छोड़ के क्यों गए? आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? पता नहीं साहब, ये सारे दोस्त यहाँ तैरने के लिए आते थे और इसका नाम शायद अंशुल है। अंशुल जी? बिल्कुल अकड़ गई है, बॉडी नीली पड़ गई है। अभिजीत, इसका बॉडी टेम्परेचर
कुछ ज्यादा ही ठंडा है इसका शरीर। अरे हाँ, बहुत ठंडी है। इतनी जल्दी बॉडी इतनी ठंडी कैसे हो गई? उंगलियां कड़क हो गई है, खुल नहीं रही है। ये क्या है इसके हाथ में? और सब देना। सर शायद किसी रस्सी का हिस्सा हो। लगता है पानी के अंदर इसने किसी रस्सी को पकड़ के खींचा होगा, इसलिए इसका हाथ कट गया। पानी के नीचे ये रस्सी से क्या खींच रहा होगा? अंदर जाके देखना पड़ेगा। पूर्वी अंडर वाटर गियर मंगा लो। रेडी, आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। साहब पानी बहुत ठंडा है। ठंडा तो बहुत है, इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे है पानी? ठंडी है यार। उफ। ये लो। आर यू ओके? हाँ सर। पानी ज्यादा गहरा नहीं है पर ठंडा बहुत है। एक मिनट, चाय पियो, गर्म है। थैंक्स सर। हम लोग पानी के इस हिस्से में उतरे
तो पानी इतना ठंडा था नहीं, जैसे गहरा की तरफ बढ़े तो पानी ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब पानी सिर्फ एक ही हिस्से में ज्यादा ठंडा? हाँ यार, सिर्फ एक ही हिस्से में, बाकी जगह है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी, ये टेम्परेचर ऐसे रहता है क्या हमेशा? नहीं साहब, 5 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये मिला है। हीरे? तो कहीं अंशुल पानी के अंदर इन हीरो के चक्कर में तो नहीं गया था? हो सकता है, लेकिन अंदर कोई रस्सी वस्सी नहीं मिली। ये रस्सी का निशान कहां से आया? सर एक मिनट, मैं हाँ फ्रेडी। सर ये साइकिल यहाँ पे पड़ी हुई थी और बैग में से अंशुल का आई कार्ड मिला है। JJNG कॉलेज? ओ ये क्या है? टायर के निशान लग रहे? ये टायर के निशान किसी टेम्पो या रिक्शा के होंगे। रस्सी? ये ऐसे ही रेशे हमें अंशुल के हाथ में मिला है। सर लगता है किसी ने रस्सी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना। ये अंशुल उसके दोस्त यहाँ साइकिल पर आए थे, तो जो कोई भी ये रस्सी यहाँ से लेकर गया है वो इस रिक्शा या टेम्पो जो कुछ भी था उसमें गया। तो फिर केयर टेकर ने कुछ देखा कैसे? नहीं, ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं ना? इस बैग में और क्या मिला? सर बैग में अंगूठी है और उसे कुछ चीजें गिफ्ट दी है वो है। अच्छा, तो चलते हैं इस JJNG कॉलेज में, अंशुल और उसके दोस्तों का यहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, अरे किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सर ये अंशुल तो स्विमिंग चैंपियन था, फिर ये डूब के कैसे मरा? वही तो गड़बड़ है पूर्वी, ये स्विमिंग चैंपियन डूब के कैसे मरा? सर कैटेकर ने कहा कि अंशुल के कुछ दोस्त उसे वहाँ तालाब में छोड़कर भाग गए। हमें ये पता करना है कि अंशुल के वो दोस्त कौन है। चलो देखते हैं। ये लड़के, सॉरी अंकल, सॉरी। मुझे अंकल बोलता है तो क्या दादाजी बोलेगा? चलो। लोया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, हमें कॉम्पिटिशन अभी शुरू करना पड़ेगा। प्लीज मैडम, अंशुल अभी आता ही होगा। नो no. थोड़ा सा रुक जाओ आप। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID से? सर आप यहाँ तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे अंशुल के लिए वेट कर रहे हैं क्या? जी सर, पिछले 2 घंटे से मैं कॉम्पिटिशन शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ पर उसका तो कोई पता ही नहीं है। इनफैक्ट उसके दोस्तों ने अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर लिया है। कौन दोस्त सही है? सर वंश, रोहित और प्रिया। लॉकर रूम का बाहर यार बवाल मच चुका है, कोच हमें मार डालेगा। चलो यार जल्दी। तू चुप बैठ वंश, जब तक अंशुल नहीं लौटेगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। यार तू गाइस, मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं। अरे कहा तो तुमने बहुत कुछ था। क्या अंशुल लौटा? हम लोग CID से, दरवाजा खोलो। CID? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अब सॉरी सर। वाह, अंशुल को वहां पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ा और यहाँ उसका इंतजार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। मरने के लिए मतलब? अंशुल मर चुका है। अंशुल मर चुका है? तालाब में उसकी लाश मिली है। सर सर हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। उसे वहाँ तालाब में अकेला छोड़कर क्यों आए? सर हमें सच में नहीं पता था, गेम खेलने गए थे हम तो वहाँ। गेम खेल रहे थे? कैसा गेम? मौत का गेम? नहीं सर, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितनी देर सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है। पर सर ये आइडिया भी अंशुल का ही था। हाँ सर, अंशुल तो एक स्विमिंग चैंप था, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे मर जाएगा। सर वो ऐसे कई बार कर चुका है, वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं और से, लेकिन फिर भी वो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। अंशुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आए तुम लोग?
क्या हुआ था पानी के अंदर? सर सर कुछ भी नहीं हुआ था सर, वो तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था, मैं ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाया सर, तो मैं ऊपर आ गया। पानी ठंडा था इसलिए तुम ऊपर आ गए, बाहर आ गए। और तुम भी पानी ठंडा था इसलिए बाहर आ गए? मैं पानी के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रस्सी जैसा अटक गया था और मैं डर गया था सर। ठंडा पानी और रस्सी, इसका मतलब है सर जब ये लोग पानी के अंदर गए तो रस्सी पानी के अंदर ही थी और अंशुल का हाथ भी कटा हुआ था रस्सी से। आप लोगों ने और क्या देखा पानी के अंदर? एक पाउच जैसा कुछ, पीले कलर का, जाली वाला। सर, मैंने वैसा पाउच दीक्षा के हाथ में देखा था, पानी के अंदर नहीं। कौन दीक्षा? वो दीक्षा अंशुल की गर्लफ्रेंड। अंशुल की गर्लफ्रेंड दीक्षा? क्या वो भी शामिल थी गेम में? नहीं सर, वो जब अंशुल वहाँ पहुँचा तब दीक्षा वहाँ पहले से ही मौजूद थी और अंशुल के आते ही दीक्षा ने उसके हाथ में एक पाउच थमा दिया, लेकिन अंशुल ने उसे वो लौटा दिया। फिर भी दीक्षा अंशुल के साथ जबरदस्ती कर रही थी, पाउच को बार बार अंशुल के हाथ में रख रही थी। दीक्षा अंशुल पर चिल्ला भी रही थी बहुत, पता नहीं किसी बात में उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। अंशुल बेचारा बार बार उसके हाथ में वो पाउच लौटा रहा था, लेकिन पता नहीं दीक्षा मान ही नहीं रही थी। कहाँ मिलेगी ये दीक्षा? वो इसी कॉलेज से सर, तो यही कहीं मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये दीक्षा कहाँ मिलेगी? इट्स ओके, वो रही ये। हाँ थैंक्स। दीक्षा? जी जी सर। एक बात बताओ, क्या तुम अंशुल से मिलने गई थी? जी सर, मैं गई थी। और तुमने उसके हाथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था। क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मुझे काफी सारे गिफ्ट दिए थे, बस उसी को लौटाने गई थी। क्यों, गिफ्ट क्यों लौटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेकअप हो गया था, मैंने उसे छोड़ दिया है, बस इसीलिए सारे गिफ्ट उसे लौटाने गई थी। क्यों, ब्रेकअप क्यों हुआ? गलती उससे नहीं मुझसे हो गई थी, मैं उस पर शक कर रही थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है, बस उसका पीछा करते करते कल रात को। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा कर रहे हो। मेरा पीछा? लेकिन मेरा पीछा यहाँ पे क्यों कर रही हो इतनी रात को? तुम इतनी देर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो तुम? अरे किसी का इंतजार नहीं कर रहे, ये क्या बकवास कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम इस वक्त? अंशुल, यू डोंट लव मी एनीमोर ना, पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है, तुम किसी और को पसंद करते हो ना? दीक्षा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम से आया हूँ और मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल बात करता हूँ इस बारे में। अभी ना यहाँ पर ना इस तालाब में कुछ आने वाला है और अगर वो चीज मेरे हाथ लग गई ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अंशु तुम क्या कह रहे हो? देखने आए हो? हाँ? अरे अरे मैं बहुत जरूरी काम से आया था, तुमने देखा वो चीज तालाब के अंदर ही छुपाई गई है,
अंशुल तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। एक काम करोगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे माफ करो। जाओ, जो मिलना है कल मिलकर बात बता दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। सर वो हुड वाला आदमी इतनी रात गए पानी में क्यों कूदा होगा? उन हीरों के लिए हो सकता है दया, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंशुल को उसके बारे में कैसे पता चला। ये कुछ और ही चक्कर है। सारंगी, बड़ी आसानी से इसकी मुट्ठी खुल रही है। हाँ देखने में आसान है बॉस, लेकिन आसान दरअसल है नहीं। देखो सब पसीने पसीने हो रहे हो। दरअसल इसकी लाश सर्दी की वजह से इतनी अकड़ गई थी कि पूरी लैब के एसी मुझे बंद करने पड़े, तब जाकर के खुल रही है। हीरा, डायमंड, मतलब हमारा शक सही था। यह अंशुल हीरो के लिए ही उस तालाब में पानी के नीचे गया था। हीरा लेने गया था और मौत हो गई। मुश्किल से एक हीरा हाथ लगा। मुश्किल तो जरूर हुई होगी दया, क्योंकि इसकी मौत हुई है सर्दी की वजह से। ऐसा लगता है मानो ये अंटार्कटिका के समंदर में तैर रहा हो। मतलब सारंगी, तेरे कहने का मतलब है कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस तालाब का वही हिस्सा ठंडा किया गया? हाँ बस। तो शायद किसी ने पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी। अब बर्फ का स्लैब इतनी आसानी से पानी के नीचे नहीं जाता दया, उसे तो कुछ वजनदार चीज बांधनी पड़ेगी, तब वो पानी के नीचे जाएगा ना बर्फ। सर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा, रस्सी से पत्थर और सिल्ली बांधी, पानी के अंदर डाल दिया और उसी रस्सी की वजह से अंशुल का ये बाया हाथ छिल गया। शायद बर्फ की सिल्ली वहां पर टेम्पो में लाई गई होगी। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इन हीरो की वजह से ही हुआ है। लेकिन सर इन हीरो के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना ही अंशुल के दोस्तों को और ना ही उसके कॉलेज में किसी को। हाँ अभी हम पता लगा लेंगे। अंशुल के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और एक बात सर, अगर बर्फ की सिल्लियाँ डाली गई हैं पानी ठंडा करने के लिए, तो वो आसपास के किसी बर्फ के कारखाने से लाई गई होगी। हाँ तो फिर आसपास जितने भी बर्फ के कारखाने हैं वहाँ से पता लगाते किसने बर्फ के स्लैब्स खरीदे थे। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। अंशुल का कुछ पता चला? जी हाँ पता चल गया। वही बताने हम मतलब देखिए दरअसल हम आपसे अंशुल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंशुल के बारे में पूछताछ? क्यों, क्या हुआ? उसे हीरे पसंद थे क्या? वो हीरों का बिजनेस करता था। हीरे? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अंशुल के पापा के जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है, पीतल भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना हो और वो बिजनेस करता हो? जिसका बेटा हीरे जैसा हो ना, उसे हीरों की क्या जरूरत? हर बात में अव्वल है मेरा बेटा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूद। हम अंशुल का कमरा देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर देखिए। पांच लाख कैश। इतने सारे पैसे? कहीं अंशुल वाकई में हीरो का व्यापार तो नहीं करता था? एक ही घर में रह रहे हैं माँ और बेटे, और माँ को कुछ पता ही नहीं। अंधेरी परिसर में बैंक डकैती यार, ये
अंशुल कहीं हीरो की डकैती तो नहीं करता था? कोई गैंग वैंग में तो नहीं है वो? 15 जून, 21 और 30 जून, जिस दिन डकैती हुई है उस दिन तो अंशुल जरूर घर से गायब होगा। उसकी माँ से पूछ लेते हैं सबके बारे में। मैम ये 5 लाख रुपए कैश मिले हमें अंशुल के कमरे से, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? नहीं सर, ये कहाँ से आए? मैम हमें शक है कि वो 15 जून और 21 जून 30 और 30 जून जी, 15, 21 और 30 जून को अंशुल कहाँ था कुछ याद है आपको? अब जी सर, हम गांव गए थे अंशुल की कॉलेज की छुट्टियों में। मैंने तो अभी तक टिकट भी संभाल कर रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यार वो अंशुल के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। सर मैं देखती हूँ। मिल गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देख लो। यार अगर अंशुल ने चोरी नहीं की है तो फिर ये चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है? कहीं चोरों को जानता तो नहीं था? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? ओके ओके सर। तालाब के अंदर से जो हीरे मिले थे, जो अंशुल के मुट्ठी में मिले थे, नकली है। क्या मतलब अंशुल नकली हीरो के चक्कर में मारा गया? शायद अंशुल को पता नहीं था कि हीरे नकली हैं। लगता है ये पूरी एक साजिश है ताकि अंशुल तालाब के अंदर जाए और मारा जाए। ये तो बड़ा चक्कर हो गया। एक काम करते हैं, जिन जिन दुकानों में डकैती हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखते हैं, पता तो चले ये असली नकली हीरों का खेल खेला किसने। ये सर ये 15 जून की रॉबरी का फुटेज है। दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज। ये है 21 जून की रॉबरी का। दो लोग हैं। ये सब 30 जून का फुटेज। अभिजीत एक मिनट, इस शॉट को फ्रीज करो। ये जूते, जूते भी जूम करो जरा। जूता कहां पे देखा है इन जूतों को? दया सर मैंने ये JJNG कॉलेज के लॉकर रूम में देखा सर। लेकिन सर इस डिजाइन के जूते तो कई लोग पहनते हैं। क्यों, तुम्हारे पास भी ऐसे जूते? सर तालाब के पास एक बर्फ का कारखाना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं से बर्फ खरीदी गई थी। क्या पता लगाया किसने खरीदा था बर्फ? सर दो लड़के आए थे। उनके बारे में कुछ पता चला, हुलिया वगैरह कुछ? सर वो कारखाना वाला कह रहा था कि ये लड़के कुछ 18-19 साल के थे, चेहरा तो उसने देखा नहीं, एक हुलिया मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी आधा टोपी से ढका हुआ। ओह, तो इन दोनों चोरों में से एक ये है। अब ये देखना है कि ये जूते
इनके पास है क्या? सुना है संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, क्या बोलता है, लुट ले? चल आज यहाँ साफ कर ही लेते। लेकिन सबसे पहले बॉस को पूछना पड़ेगा। अगर मना कर दिया तो देख, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, चल आज जाकर हाथ साफ कर ही लेते हैं। नहीं नहीं, पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बॉस को मैसेज करता हूँ। अरे संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, हमला करें? मैसेज कर दिया, रुक जा। जल्दी कर, जल्दी। अरे रुक तू, क्या धासु दुकान है यार, लगता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई। दुकान तो ठीक है लेकिन जल्दी सामान रख, चल। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल, हो गया, चल 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 चल। सब कोई भूत तो नहीं है? खरीदारी हो रही थी, अब थोड़ी सी खरीदारी हमारी दुकान से भी कर लो। चल भाग। ए, इस तरफ चल। अंशुल को एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मारा है। तालाब के एक हिस्से में बर्फ की सिली डाल के उसे और ठंडा किया गया और वो बर्फ यहीं के पास के कारखाने से लाई गई है और उसे लेने गए थे दो लड़के टेम्पो में और वो दो लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में
कॉलेज में पढ़ाई। और वो है तुम रोहित। और पंच अब बताओ कैसे मारा तुम लोगों ने अंशुल को? सर हमने अंशुल को नहीं मारा, हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था। सर यहाँ आने के 30 मिनट पहले ही हम बर्फ को टेम्पो में लाए। और फिर बड़े मेहनत से हम वो बर्फ तालाब में ले गए। और फिर बर्फ के स्लैब्स को पत्थरों से बांधकर तालाब में डाल दिए। और उस रात पानी में कूदे ताकि अंशुल को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर छुपाए गए। सर हमने उसे एक फेक कॉल के जरिए बता दिया था कि रात को 12 बजे कोई तालाब में हीरे छुपाएगा। हेलो, हाँ आज रात को 12 बजे तालाब में हीरे छुपाने का प्लान है। नकली हीरे, नकली हीरों का पाउच तुम लोगों ने बर्फ के नीचे दबा दिया। हाँ सर, और रस्सी को पोल से बांध दिया था। और सर हमने उसमें एक सेंसर भी बांधा था, और अंशुल जैसे ही नीचे गया। सर लगा था तो रिमोट भी जरूर किसी ने दबाया होगा। हाँ सर, आप हमारा यकीन कीजिए, अंशुल को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम ये होगा। हाँ सर, हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। किसने दबाया रिमोट? हाँ तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं। तीन लड़के पानी के अंदर थे और एक लड़की बाहर थी, प्रिया जी। तुमने रिमोट दबाया, जैसे ही तुमने रस्सी को हिलते हुए देखा, प्रिया को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुंच गया। उसने उस रिमोट का बटन दबा दिया और थोड़ी देर बाद उस रस्सी को निकाल दिया। अब बताओ प्रिया, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अंशुल को किसी भी हालत में मारना था। ये लालची इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंशुल को पता चल गया था कि रात में जेवरों की चोरी मैं करवाती हूँ, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ इसलिए तुमने ये प्लान बनाया? जी, वरना पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो जाती। क्या लगा तुम्हें बर्फ का इस्तेमाल करने से सारे सबूत पिघल जाएंगे? हाँ इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाती ना तो बहुत फायदा होता तुम्हारा, पर अब तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अंशुल का खून किया है तुमने, पर मिला क्या? जिंदगी भर की बदनामी और जेल की सलाखें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।